नमस्कार, संध्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम सरसों के साग और मक्के की रोटी बनाएंगे। सर्दियों का दिन आ गया है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। हम इसकी बनाने की विधि बताएंगे। सबसे पहले हमने 100 ग्राम सरसों का साग और 100 ग्राम पालक हमने धो करके और मोटे मोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। और इसमें डालने के लिए, तड़का लगाने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज काट ली है, 8-10 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक हमने कूट लिया है इसको, और 2 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज टमाटर और हींग, जीरा, और इसमें 2 स्पून कम से कम मक्के की आटे पड़ेंगे ताकि वो अच्छा से बने। सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, गैस ऑन करके हम कुकर को चढ़ाएंगे और उसमें ये कटा हुआ सरसों का साग, पालक का साग, और इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल करके हम इसको सीटी लगाएंगे। इसमें हम पानी जरा भी नहीं डालेंगे, बस हम 2 सीटी लगा करके इसको बॉईल करेंगे। 2 सीटी आने तक हम इसको बॉईल करेंगे। अभी ये हमारी 3-4 सीटी आ गई है और हम इसका सीटी निकल जाने के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया और ये हमारा साग बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम पीसेंगे। हमने मोटा काटा था इसलिए हमें पीसना पड़ रहा है। अगर आप बारीक काटें तो आप इसको ना पीसें, आप इसको कलछी से ही दबा करके इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसको ठंडे होने तक, होने के बाद ही हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। अब हम कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिए हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। हम इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, बट हम सरसों के तेल में ही बना रहे हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें हींग डालेंगे थोड़ी सी, 1/2 छोटी चम्मच जीरा। हमने 8-10 लहसुन की कलियां काट रखी थी उसको भी डालेंगे और अदरक 1 इंच काट रखा था, 2 हरी मिर्च कटी हुई और 1 मीडियम साइज प्याज कटा हुआ, इसको डाल करके हम अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए हम थोड़ा प्याज को ब्राउन होने देंगे। प्याज हमारा बिल्कुल ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। हमने 2 हरी मिर्च डाली है इसलिए हम बहुत 1/4 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच के करीब हम धनिया पाउडर डालेंगे और उसको डाल करके चलाएंगे। 1 हम टमाटर काट रखे थे इसको भी हम डालेंगे, 2-3 मिनट तक के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, तो इसको भी हम डाल देंगे। हम इसमें 2 चम्मच के करीब मक्के का आटा डालेंगे। ये हमारा मक्के का आटा बिल्कुल सफेद वाला है मक्का, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है ये मक्के का आटा है। एक चम्मच नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मीडियम आंच पे कम से कम 5-7 मिनट तक होने देंगे, पकने देंगे। इसको ढक करके पकाएंगे। अब मक्के की आटे की रोटी बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप मक्के की आटा ले लिया है, ये वाइट मक्का है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और इसको गूंथेंगे।
अब हम एक लोई लेंगे और इसकी रोटी बनाएंगे। हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, चकले पे डालेंगे और इसको हम बेलेंगे। इसको हम हाथ से भी बढ़ा सकते हैं। हम इसको हल्का हल्का सा बेलेंगे। इसकी रोटी थोड़ी मोटी ही होती है। तावा गरम हो गया है और अब हम इसको डालेंगे। ये दोनों तरफ सिक गया है। अब हम इसको देसी घी लगा करके सेकेंगे। अगर हम इसको घी लगा के भी बिना सेक सकते हैं, हम इसको गैस चूल्हे पे भी सेक सकते हैं, बट हम देसी घी लगा करके इसको सेकेंगे। फ्लेम को बिल्कुल सिम रखेंगे। अब हमारी ये मक्के की रोटी बिल्कुल बन करके रेडी हो गई है। हमारी मक्के की रोटी और सरसों का साग बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकालेंगे। देसी घी डालेंगे। देसी घी डाल करके सरसों का साग बहुत ही टेस्टी होता है, इसके बिना अच्छा ही नहीं होता है। अब हमारा ये सरसों का साग और मक्के की रोटी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप इसको परोसिए और खिलाइए और घर पे बनाइए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो के नीचे लाइक करें। थैंक यू।